में सुनने और देखने वालों को बशर नकवी का सलाम। दोस्तों, बीइंग अ मुस्लिम, हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट सिखाई गई है, हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया है। सरकार रिसालत माफ भी सबक सुना रहा हूं अपने सीनियर्स को, मैं भी अपने सीनियर्स को सबक सुना रहा हूं। रिसालत माफ सरकार एक दफा अपने साहब के साथ जा रहे थे, तो रिलीजियस टच नहीं है, बस वो अपने मतलब की चीज लेके फिर मैं अपनी तरफ आ जाऊंगा। बड़ों की इज्जत करनी है। सरकार रिसालत माफ अपने साहब के साथ जा रहे थे, एक बार एक शख्स यहूदी गुजर रहा था। सरकार चलते चलते थोड़ा स्लो हो गए हैं। साहब ने कहा, सरकार क्यों स्लो हो गए? सरकार ने कहा, नजर नहीं आ रहा एक बूढ़ा यहूदी जा रहा है, एक बूढ़ा शख्स जा रहा है। तो लोगों ने कहा, सरकार यहूदी है? तो सरकार ने कहा, नॉट एट ऑल, नो मैटर्स हु इज दिस, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो बड़ों की इज्जत हम पे फर्ज है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, याद रखें कि हमें बड़ों को आगे बढ़कर सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमें बड़ों की इज्जत करनी है, हमें ऊंची आवाज से बात नहीं करनी। सबसे पहले बड़ों की इज्जत करनी है, उनको सलाम करना है आगे बढ़कर, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। नंबर 4 पे है कि अपना लहजा नरम रखना है, बी पोलाइट विद देम, उनके साथ पोलाइट रहना है। नंबर 5 के ऊपर है, सख्त नहीं बोलना। इस्लाम कहता है अपने माँ बाप को, अपने सीनियर्स को उफ तक ना कहो। उसके बाद अगर आपने उनसे कोई चीज मनवानी है तो उनको दरख्वास्त कर सकते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट देम। ये बीइंग अ मुस्लिम, ये छोटे से टाइम में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने सीनियर्स की, एल्डर्स की इज्जत हम पे फर्ज है, तो फर्ज में ये 4-5 चीजें अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।